हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MVM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज द डेफिनेशन IT एंड ICT। IT मीन्स व्हाट्स इज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी यूज ऑर्डर टू क्रिएट कलेक्ट द process and protect and store the information. It is a reference to hardware and software, computer program and computer network. हमें जानकारी देखनी है यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखना है और उसके प्रोग्राम्स और नेटवर्किंग के बारे में जानकारी देखना है। IT means information technology. Information technology हम लोग आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा वास्ट वर्कआउट होता है। जैसे लॉकडाउन में आपने IT का यूज़ करके आपका एजुकेशन कंप्लीट किया था, मतलब जितना भी डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, डिस्टेंस इज नो लॉन्गर एन यूज़ इशू नहीं है। कोई भी डिस्टेंस का जो लॉन्ग रहेगा तो भी हम लोग IT के हिसाब से हर एक काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम हम लोग ने लॉकडाउन में सुना ही है ज़्यादा, तो ई बैंकिंग जो पेटीएम या तो हम लोग फ़ोन पे जी पे ऐसे वर्क ई बैंकिंग के थ्रू करते हैं। ई गवर्नेंसी ये भी क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। डेटा एंड इंफॉर्मेशन भी है, उन्होंने IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकिन उसके साथ साथ दिया हुआ है ICT। ये IT का स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप बुक में लिख के रखना। ICT का भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करके बोला जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो है बेस पूरा डेटा एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो डेटा या तो डाटा एग्जैक्टली होता क्या है, तो डेटा और डाटा जो एनी कैरेक्टर्स टेक्स वर्ड्स नंबर और ए रॉ फैक्ट्स, इससे डेटा क्रिएट होता है। डेटा मतलब सिंपल, कैरेक्टर मतलब EX और ऐसे कैरेक्टर है। वर्ड ऑफ या तो अलग अलग दिया हुआ है MG रोड, ये वर्ड है। इन सब का मिला के यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उन्होंने एड्रेस किया है, दैट मीन द इंफॉर्मेशंस। कैरेक्टर टेक्स और वर्ड और नंबर के साथ दिया हुआ है, मतलब किसी को ये सारा डेटा कलेक्ट करके जो फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है, जो फॉर्मेट किसी का एड्रेस बना के रखा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT में जो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे IT अंडर दिया हुआ है। इसके वर्ड में कंप्यूटर्स में डिवाइड इन द लैटिन वर्ड दिया हुआ है कंप्यूटर्स, विच मीन्स द कैलकुलेट टू काउंट टू सम अप टू द थिंग टुगेदर। कंप्यूटर में यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर का सिस्टम दिखाया हुआ है, सिस्टम क्या होता है अलग अलग वे में, उसमें से दिया हुआ इनपुट स्टोरेज, डेटा स्टोरेज होता है, उसे कंट्रोलिंग होता है जो आर्किटेक्चरिंग है उसका कंप्यूटर सिस्टम का, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग ने देखा हुआ है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और CPU करके। वैसे ही वहाँ पे आप लोग ने ड्राइंग भी बनाया था, लेकिन ये ऊपर का जो व्यू है उसका दिया हुआ है उन्होंने, जैसे प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, फ्लैश रोम, मॉनिटर, ये क्या है, तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, जिस माध्यम से जो भी हमें आउटपुट मिलता है, मतलब साउंड मिलता है, तो आउटपुट डिवाइस हुआ। जो पेज दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है, वो मॉनिटर शो करता है, दैट मीन द LCD बोलते हैं। प्रिंटर प्रिंट आउट देता है, हार्ड कॉपी देता है उसमें। वैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या वर्क करता है, कीबोर्ड इनपुट का डिवाइस करता है,
मतलब जो भी डेटा टाइप करना है यहाँ से टाइप करके हम लोग दे सकते हैं। माइक्रोफोन जो साउंड डेटा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को ही, वैसे माउस भी क्लिकिंग से डेटा ही प्रोवाइड करता है। वैसे ही स्टोरेज करने के लिए यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, इससे हम लोग क्या करते हैं डेटा स्टोरेज करते हैं। तो उन्होंने दिया हुआ है द फॉलोइंग वन डे हुए इनपुट यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स मीन्स व्हाट्स, जिस माध्यम से कोई भी माध्यम हो जाए जिससे हम लोग डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। दिस यूनिट हेल्प यूज़र टू एंटर द डेटा एंड कमांड्स इन टू ए कंप्यूटर सिस्टम। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड, एक्शन, कमांड एक्सेट्रा। कोई भी फ्रेम, कोई भी इससे हम लोग डेटा कंप्यूटर को देते हैं उसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद क्या फंक्शन होता है द कमांड्स एक्सेट्रा। द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस इज टू डायरेक्ट कमांड एंड डेटा इन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर देन यूज इन टू इंस द सीपीयू टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोसेस आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल ये कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस दैट एंटर द नंबर एंड द कैरेक्टर, उसे हम लोग डेटा कैरेक्टर देते हैं। अदर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि माउस भी है, इवन माउस कैन बी द इनपुट डिवाइस। अदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका भी स्टैंड फॉर आपको लिख के रखना है, बुक का जो भी है स्टैंड फॉर से वो अलग से पेज पे लिख के रखो। तो MICR मैग्नेटिक लिंक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे उन्होंने अदर दिया हुआ है। अदर एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने दिया ATM मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, तभी भी हम लोग टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ATM का, स्मार्टफोन का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आज के तारीख में करते हैं। इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आफ्टर द रिसीविंग द डेटा कमांड फ्रॉम यूजर्स द कंप्यूटर सिस्टम एज टू द प्रोसेस इट इज अकॉर्डिंग टू द इंट्रैक्शन द प्रोवाइडर हैज़। तो कंप्यूटर क्या करता है वहाँ का डेटा सब कुछ लेता है और CPU के पास भेज देता है। CPU क्या करता है उसे, CPU कंपाउंड क्या करता है उसके अंदर जितना भी प्रोसेस जैसे वर्क होता है, तो इन्होंने तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। द कंपोनेंट कॉल्ड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द CPU फेदर यूज द थ्री एलिमेंट इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मीन्स ALU। ये क्या वर्क करता है, तो इसमें भी पार्ट्स में दिया हुआ है लॉजिकल और अरिथमेटिकल, मतलब कैलकुलेशन करना, उसमें एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा वर्क CPU के अंदर का ALU करता है। उन्होंने दिया हुआ है मेमोरी और इस तरह दिया हुआ, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जैसे हम लोग इनपुट डेटा डालते हैं यहाँ से, वो CPU के अंदर जाता है। CPU में भी वहाँ पे पार्ट्स है, पार्ट्स में फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। और ये सब प्रोसेस होने के बाद ये वर्क किसके पास जाएगा, ऐसे वर्क सोचने के बाद वो क्या करता है आउटपुट यूनिट्स को सेंड करता है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जो मशीन दिखाया हुआ है, यहाँ पे CPU का इंटरनल व्यू दिया हुआ है, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था CPU का। ओके, तो फर्स्ट पार्ट दिया था ALU और उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, ये बैकबोन है। दिस इज यूनिट इज द बैकबोन कंप्यूटर, मतलब वो सबके ऊपर कंट्रोल करता है, मतलब वो इनपुट के ऊपर भी कंट्रोल करता है, आउटपुट डिवाइस के ऊपर भी कंट्रोल करता है, और प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए उसको बैकबोन बोला जाता है। जो भी कलेक्शन आता है इनपुट से उसे कहाँ पे सेंड करना है, जैसे अरिथमेटिक के पास भेजना है या उसे स्टोर करके रखना है, ये सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट।
इसे सीयू कहा जाता है। उसके पास थर्ड पार्ट दिया उन्होंने, मेमोरी यूनिट। मेमोरी के अंदर भी यूनिट के अंदर दो पार्ट साथ है, लेकिन मेमोरी यूनिट क्या करता है, वो जो डेटा दिया हुआ है इनपुट वालों ने, वो इसे टेम्पोररी है, परमानेंट है, फिक्स करना है या नहीं करना है। वंस ये यूज द एंटरिंग द डेटा यूजिंग द इनपुट डिवाइस, द कंप्यूटर सिस्टम स्टोरेज दिस डेटा टू मेमोरी यूनिट। दिस डेटा विल बी द रिमेनिंग हर अंटिल द अदर कंपोनेंट ऑफ दिस सीपीयू प्रोसेस। तो प्रोसेस करने के चालू कर देता है। वहाँ पे भी टाइप्स ऑफ मेमोरी दिए हुए हैं, टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी। फर्स्ट वी प्राइमरी मेमोरी, सेकंड दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या वर्क करता है, तो वहाँ पे भी उन्होंने उसके भी मेमोरी के पार्ट दिए हुए हैं। प्राइमरी मेमोरी में होल्ड किया जाता है डेटा, जो भी डेटा आता है उसे होल्ड किया जाता है जो कंप्यूटर के करंटली वर्किंग है। तो प्राइमरी मेमोरी में टू टाइप्स दिए उन्होंने, एक तो रैम और रोम। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग ने सिस्टम देखा, इनपुट और आउटपुट देखा, जैसे हम लोग ने सिस्टम देखा, तो ये सिस्टम के अंदर उन्होंने तीन पार्ट दिए हुए, जैसे ALU, CU और MU, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। बाद में दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट्स और मेमोरी यूनिट्स। और मेमोरी के अंदर भी उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी बोला हुआ है। अभी प्राइमरी मेमोरी आया तो भी यहाँ पे उन्होंने टू पार्ट दिए हुए, एक तो रैम और एक तो रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या दिया हुआ है, उन्होंने जितने भी स्टोरेज करने का जो तरीके है, जो मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, टेप दिया हुआ है, ड्राइव पेन ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क मतलब से, और SSD जो मार्केट में अभी लेटेस्ट वर्कआउट किया गया था। तो ये जो पार्ट्स हैं, यहाँ तक ही हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उसे थोड़ा समझ के ले लो, जो मेन मेन क्वेश्चन एंड आंसर है मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू।